हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं। इसे तो आशिकों के नवरात्रों वाला महीना भी कहते हैं, तो इसमें भी तो नवरात्रे भी आएंगे। उद्यापन दिवस 14 फरवरी को होता है लगभग, ठीक है। खैर, आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया और कुछ बच्चों ने तो खूब डिटेल से भी लिखा। दिसंबर 2022 में भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय जो है ना, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है धर्मदम केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th है इस सवाल का, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। धर्मदम केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र भी है ये, और पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र का स्थान प्राप्त करने वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया। निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था, और निर्वाचन क्षेत्र के सभी वार्डों में पुस्तकालय खुलने के बाद धर्मदम ये हासिल कर चुका है उपलब्धि, और भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भी भारत का पहला राज्य भी केरल ही है, ये भी याद रखना आप लोग। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है सुमित राणा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। सुमित राणा को ये उपलब्धि दिलवाते हुए बहुत सारे गणमान्य लोग सुमित राणा बने हैं अभी हाल ही में, जो हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन। जन नायक जनता पार्टी के नेता है सुमित राणा, इनको अभी हाल ही में हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन का पदभार जो है ना दिलवाया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। साथ में मंत्री अनूप धानक है, जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला और बाकी लोग भी मौजूद थे, ये बात भी आपको याद रखना है। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो ये एक इंडियन स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि 1974 के अंदर स्थापित हुई थी। कंपनी का एक्ट कौन सा है ये भी याद रखना, तो इस कंपनी का एक्ट था 1956 के एक्ट के तहत जो है ना ये कंपनी बनी थी आपकी। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष तो सुमित राणा अभी आपको मैंने बता ही दिए हैं। अच्छा, एक हरियाणा ने ना उत्तम बीज पोर्टल भी लॉन्च किया अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। उत्तम बीज पोर्टल, उत्तम बीज पोर्टल से क्या है कि अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लिया जा सकता है, और खेती के लिए ही जो है ना, आप लोगों को शायद याद होगा कि हम लोगों ने सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके तहत मिट्टी की उर्वरता और के साथ में मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व हैं इनकी जांच जो है ना की जा सकेगी। हरियाणा में एयर इंडिया कितने करोड़ का निवेश करेगी? हाउ मेनी करोड़ विल एयर इंडिया इन्वेस्ट इन हरियाणा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हरियाणा के अंदर एयर इंडिया निवेश करने वाली है 3500 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। दिल्ली के लिए हरियाणा जो है ना वो एक बढ़िया विकल्प बनेगा, ऑप्शन बनेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 84 के अंदर हेलीपोर्ट स्थित बनाया जाएगा। मतलब आपको ये पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर एक नया हेलीपोर्ट कहाँ बनने वाला है, तो ये गुरुग्राम में ही बनने वाला है, और इस हेलीपोर्ट की स्थापना से दिल्ली के एयर स्पेस को एक नया विकल्प मिल जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा में एयर इंडिया 3500 करोड़ जो है ना ये निवेश करेगी, जिसके लिए ट्रेनिंग शुरू की जाएगी बहुत सारे जो है ना वर्कर्स के लिए। उत्तर भारत में जो है ना एक इम्पॉर्टेंट राज्यों के रूप में हरियाणा का नाम जुड़ जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हरियाणा के अलग अलग शहरों को उत्तरी राज्यों के शहरों के साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा, और इससे जो है ना जो एक कंपनी है जैसे कि पवन हंस एयर इंडिया, पवन हंस कंपनी है एक, एयर इंडिया कंपनी है, इनकी भी बैठकें जो है ना होने के साथ में, मतलब हमारे हेलीकॉप्टर का हब, हेली हब है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और पोर्ट का हब है वो भी बढ़ जाएगा। इसका एक ब्लू प्रिंट भी अभी हाल ही में देखा था। जीजेई यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना ये समझौता होगा। उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रशिक्षण अकादमी को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने इंजीनियर प्रशिक्षण के लिए जीजेयू और हिसार कलेक्टर के साथ आगे मिलकर सुझाव दिया है, और सिमुलेटर के तहत पायलट और कैबिन क्रू प्रशिक्षण के लिए सरकार ने पातली हाजीपुर ATL सोहना में अकादमी खोलने का भी सुझाव दिया है, जिसके तहत एक सप्ताह के अंदर एयर इंडिया इन संस्थानों को एक्सप्लोर करके इनकी जानकारी जो है ना वो सरकार को मुहैया करवाएगी।
100 यात्रियों के लिए टर्मिनल भी बनेगा। बैठक में ये भी कहा है कि गुरुग्राम में बनाए जाने वाले हेलीपोर्ट में 100 यात्रियों के लिए टर्मिनल को बनाने के लिए भी प्रावधान है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगते इस हेलीपोर्ट में अलग अलग सुविधाएं भी होगी, जिसमें हैंगर, पार्किंग वगैरह बाकी सुविधाएं भी होगी। और दिल्ली को एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, यूं समझिएगा, क्योंकि दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे 300 मीटर का रनवे और 6 लैंडिंग स्पॉट और पार्किंग भी शामिल होगी। तो अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो हेलीपोर्ट हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द लैंडिंग और टेक ऑफ करने की सुविधा देता है। बेसिकली हेलीपोर्ट ये भी रहता है और यहाँ से बेनिफिट इस चीज़ का होगा कि हिसार से जैसलमेर, हिसार से जयपुर, हिसार से आगरा, अंबाला से वाराणसी, अंबाला से गोरखपुर इत्यादि शहरों को भी आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि हिसार के अंदर भी एक आपको पता होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पे ही, हालांकि इंटरनेशनल तो नहीं है लेकिन वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है, तो इनकी कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी जो है ना हरियाणा के अंदर सेटअप होगी। तो मतलब समझो कि एयरोस्पेस कार्यक्रम है उसके साथ हरियाणा को जोड़ेगा, दिल्ली, दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से हिसार, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको मैंने पढ़ाया। अगला सवाल है कि हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम हाल ही में बदल के क्या रखा है। तो हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदल के रखा है एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। विजिलेंस को मजबूत करने के लिए जुटा है हरियाणा और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदल दिया है और इसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो होने वाला है। करप्शन को ही मिटाना सीधा सीधा उद्देश्य है, इसीलिए इसका नाम ही एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया गया है। वर्तमान में सरकार ने ब्यूरो को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, 809 अतिरिक्त पदों की मंजूरी भी की है, 6 डिविजनल एक ब्यूरो को भी बनाया है अभी हाल ही में, इसके लिए 100 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं, ठीक है। एंटी करप्शन का नाम ज़्यादा प्रभावी है, इससे यूँ होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ही है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ठीक भी लगता है ये नाम, इसलिए नया नाम सुझाया गया है। और हरियाणा सरकार जो है ना एक रिवॉल्विंग फंड भी बना रही है, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने प्रस्ताव दिया था और पीड़ित को ही इंतजाम करना पड़ रहा था इसके लिए, लेकिन अब जो है ना हरियाणा सरकार ही एक रिवॉल्विंग फंड बना रही है जिससे जितनी रिश्वत ली गई थी उसको वो तो वापस किया जाएगा ही जाएगा, के साथ जो है ना उसको और भी मुआवजा वगैरह या कुछ चीज़ें मिलेंगी। हाल ही में आए आंकड़े के अनुसार हरियाणा में महिला अपराध में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में महिला अपराध में 27% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में ये खुलासा किया गया है और ये ओवरऑल रिपोर्ट है आपकी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, जिसमें 450 घरेलू हिंसा के मामले भी जो है ना शामिल किए गए हैं टोटल, ठीक है। कुल कितने मामले थे, क्या था, वो तो खैर क्या करना, पर ओवरऑल परसेंटेज का एक मामला है। एक साल में 1362 केस जो है ना पहुंचे हैं और जिसमें से 327 राइट टू लाइव विद डिग्निटी के भी केस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओवरऑल 27% जो है ना वो केसेस बढ़ गए हैं, मतलब यूँ समझिएगा कि अपराध ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है, तो उनका नाम है रेणु भाटिया, ये याद रखना, रेणु भाटिया। और एक बात और याद रखना, भारत में महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है, तो भारत में महिला आयोग की चेयरपर्सन का नाम है रेखा शर्मा, ठीक है ना, रेखा शर्मा है, ठीक है। चलिए और अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है कि हरियाणा में मातृ शक्ति उद्यमिता योजना में कितने लाख रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत 3 लाख रुपए का जो है ना वो लोन दिया जाता है। हरियाणा सरकार महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए ही मातृशक्ति उद्यमिता योजना स्टार्ट कर रखी है, इसकी जानकारी जो है ना वो अभी हाल ही में दी गई, अपडेट किया गया। जिन महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना 5 लाख रुपए या इससे कम है उनको जो है ना मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जाता है ताकि वो खुद का अपना बिजनेस सेटअप कर सके, ठीक है ना। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, किसी को चाहिए तो इस पर संपर्क किए जा सकते हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेटबॉल 2023 की मेजबानी हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी जो है ना वो करने वाली है या किस यूनिवर्सिटी को मिली है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन जो है सवाल का ठीक है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेटबॉल 2023 की मेजबानी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय करने वाला है। यहाँ के वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है जो कि हमारे पूरे भारत के सबसे बेस्ट वीसी का अवार्ड ले चुके हैं। 15 से 18 फरवरी 2023 के बीच में होने वाली है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेटबॉल महिला चैंपियनशिप होने वाली है और 70 से ज़्यादा टीमें जो है ना इसके अंदर टोटल हिस्सा लेंगी, ठीक है।
तो चलिए इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए वाइंड अप करता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा सरकार द्वारा कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं उनको कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, 500, 700, 800 या 1000 रुपये, बताइए विस्तार से इसके बारे में भी। मिलता हूँ आप लोगों से मैं अपने कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखना, थैंक यू सो मच। और हाँ, आज के नेशनल करंट अफेयर जरूर देखना आप लोग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सा सेशन होगा, देखना जरूर उसे, ठीक है, धन्यवाद।